जो भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उसे वहां से निकालने की जद्दोजहद भी लगातार जारी है। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंचा है। जो छात्र फंसे हुए थे वो अब अपनी सरजमी यानी भारत पहुंच चुके हैं। भारतीय छात्रों का एक और दल विमान के जरिए यूक्रेन से पहुंचा है दिल्ली। और बड़ी खबर, क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत इन सभी फंसे हुए छात्रों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर ही। हमारे संवाददाता ध्रुव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। ध्रुव, थोड़ी देर पहले पहुंचा है ये विमान, आपके आसपास स्टूडेंट्स भी होंगे, जरा बात कीजिए उनसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 198 स्टूडेंट यहाँ पर जो है आए हैं। आप क्या नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम हर्षवर्धन कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हम यूक्रेन में फंस गए थे, ये रसिया के जो क्राइसिस हुआ था वहाँ पर वार हुआ था। इसके बाद एक दो दिन तो वहाँ ऐसे ही रहे, हमारे मैस में खाना बंद हो गया, खुद से बना के जो भी हुआ वो कर रहे थे। फिर शाम को खबर आई क्या कि रोमानिया का बॉर्डर खुल गया है तो आप जा सकते हैं। फिर जो हमारे हॉस्टल चला रहे थे उन्होंने एक बस अरेंज किया, हमें रोमानिया भेजा, पर जाम होने की वजह से बस हमें 15 किलोमीटर पहले उतार गई। फिर वहाँ से हम पैदल गए बॉर्डर तक। बॉर्डर पर भी वो बहुत कम लोगों को अलाउ कर रहे थे, एक बार में 20 लोग ही अंदर जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। तो फिर लकीली हम लोग आ गए क्योंकि हमारे 3 फ्रेंड अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। फिर जब बॉर्डर पे आए तो रात को हम लोग 8 बजे बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, पर दूसरे कंट्री के बॉर्डर तक अंदर जाने में इमिग्रेशन हो गया या फिर जो भी चीज़ थी उन सब में पूरा सुबह हो गया था, मतलब 12 घंटे हम वहाँ खड़ा रहे ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जब रोमानिया आए तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें खाना पीना सब कुछ दिया, अच्छे से केयर किया। फिर इंडियन एम्बेसी के लोग आए, उन्होंने बस अरेंज कराई, वहाँ के कैपिटल बुदारेस्ट गए, फिर वहाँ पे एयर इंडिया की प्लेन लगी हुई थी हमारे लिए, वहाँ से सब कुछ अच्छा रहा। पर जो यूक्रेन में हमारा एक्सपीरियंस था वो एज ए स्टूडेंट अच्छा था जब तक वार स्टार्ट नहीं हुई थी, पर जब वार एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर वो बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए वहाँ पर सर्वाइव करना, कुछ भी करना। वहाँ के जो सुपर मार्केट थे जहाँ खाना मिल रहा था, वहाँ जब हम जाते थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, ब्रेड खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं मिलता था। जो पैक्ड फूड मिलता था लाइक बिस्किट्स मिल जाएंगे आपको, पर ऐसा रॉ मटेरियल कुछ नहीं मिलता था। तो देखिए, ये छात्रों की आप बीती आप सुन रहे हैं उन्हीं की जुबानी। ध्रुव हमारे संवाददाता आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमारी एक और संवाददाता मदिया भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मदिया, आप कहाँ पर हैं और आपने भी छात्रों से बात की होगी जो आए हैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं भारत? बिल्कुल, इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। स्टूडेंट्स एक एक करके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, राहत की सांस ले रहे हैं स्टूडेंट्स के घर अपने वापस आ गए। मेरे साथ वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो इस वक्त यूक्रेन से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एक एक करके बात करते हैं, क्या नाम है आपका? My name is Shagun and I studied in Ivano-Frankivsk National Medical University. Shagun, मुझे ये बताइए, आप इवानो में पढ़ती थी, वहाँ से बॉर्डर तक आना कितना मुश्किल रहा आपके? बहुत मुश्किल था, because we were waiting for advisory that will come through our embassy of India. So we were very worried. तो हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान थे, इनफैक्ट वो बहुत दिन से रो रहे थे। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स रिलेटिव सबके कॉल्स आ रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि हमारी एम्बेसी हमें अपनी कार लेगी तब उन्होंने राहत की सांस ली। और अब हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडिया वापस आ चुके हैं अपनी कंट्री। सो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। प्राउड ऑफ इंडिया, वापस अपने देश आ गए, घर वापस आ गए। आंखों में आंसू देख रही हूँ मैं आप, क्या आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग? बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज हम लोग एक बहुत बड़ी सिचुएशन से निकल के आए हैं और एक काफ़ी डर का माहौल था और हमारे आसपास के एरियाज में एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। तो फिर हमने इंडियन एम्बेसी से मदद मांगी और उन्होंने बिल्कुल फ्रिक्वेंटली एक्शन लिया और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, और हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके हमारे परिवार तक हमें पहुँचाने। जिस सिचुएशन में आप लोग वहाँ थे, क्या कुछ आपने आंखों से देखा वहाँ पर, किस तरह की सिचुएशन आपके आसपास? मैम, सिचुएशन वहाँ की बहुत बुरी थी। एज अ स्टूडेंट इट्स वाज लाइक, क्योंकि हम एक घर से दूर है तो हम कोई हेल्प करने वाला नहीं था हमारी, तो एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, बार बार खबर आ रही थी कि खारकीव में जो डर का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम लोग काफ़ी डर चुके थे कि हम कभी घर पहुंच पाएंगे भी नहीं, बट फिर हमने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने हमें जल्द से जल्द यहाँ पहुँचा दिया। अपने घर से, फ्लैट से या हॉस्टल से जहाँ आप लोग रहते थे वहाँ से बॉर्डर तक आने का सफर कितना डिफिकल्ट रहा, कुछ प्रॉब्लम्स हुई वहाँ? बॉर्डर से आने का सफर तो लास्ट 8 किलोमीटर को छोड़ के आसान रहा। लास्ट 8 किलोमीटर में क्या हुआ, वो बहुत बड़ा लंबा जाम था तो हमें वहाँ से उतर कर पैदल चलना पड़ा 8 to 10 किलोमीटर अराउंड। तो वहाँ हम गए, वहाँ हमने काफी देर वेट किया,
चार पांच घंटे वेट करने के बाद हम लाइन। ठीक है मधिया, आप हमारे साथ रहिए, ध्रुव भी हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए ये हम लगातार उन छात्रों की जुबानी भी आपको खुद उनकी आप बीती वहां के क्या हालात रहे वो सुना रहे हैं। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।